तो चलिए आज बनाते हैं हम बिल्कुल चटपटे से और मज़ेदार से केले के चिप्स। बिल्कुल आसान रेसिपी है, फट से बना लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ना इसमें इंग्रेडिएंट लगेंगे और ना ही इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट सी रेसिपी। कच्चे केले का चिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो कच्चे केले, और केलों को पहले ऊपर से धो लें अच्छे से, क्योंकि अब हम इन्हें दोबारा नहीं धो पाएंगे। अगर आपने इन्हें धोया तो बहुत स्टिकी हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना जो नाइफ है इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और अब मैं इसे धीरे धीरे पील कर रही हूँ। याद रखिएगा, जो कच्चा केला होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस होती है, तो इस बात का ध्यान रखें और हल्का सा ऑयल लगा लें अपने पीलर में। इसी तरह से अपने सारे कच्चे केलों को पील कर लें, और इनका जो हेड और टेल है वो रिमूव कर दें। बहुत हार्ड पार्ट होता है, उसे रिमूव कर दीजिए। मैं यहाँ पे सारे ही केलों को अच्छे से पील करके एक साथ रख लूँगी। सेकेंड स्टेप पे पढ़ने से पहले, सबसे पहले आपके केले पील हो जाएं, उन्हें रख लीजिए। अब थोड़ा सा ऑयल लीजिए हाथ में और सभी केलों पे लगा लें। ये केले बहुत स्टिकी होते हैं और इनमें से एक स्टार्च जैसा निकलता है जो आपको हाथ में इचनेस भी फील करा सकते हैं, यानी ऐसा लगेगा हाथ में खुजली मच रही हो। तो सबसे अच्छा होता है इन पे ऑयल लगा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, तेल गरम करने चढ़ा देंगे, और तेल ज़्यादा मत लीजिएगा। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तेल को गरम होने चढ़ा दीजिए। जैसे जैसे तेल गरम होगा हम अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते हैं। केलों पे हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, और जो मैंने अपना स्लाइसर लिया है इस पे भी हल्का सा ऑयल लगाया है। बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाएं। अब आप केले को लीजिए और थोड़ा सा स्लांट करके, यानी थोड़ा सा तिरछा करके उससे केले के चिप्स बनाइए। याद रखिएगा, अगर आपका जो स्लाइसर है ये अच्छा शार्प होगा तभी आपके केले के चिप्स अच्छे बनेंगे। अगर इसकी शार्पनेस अच्छी नहीं होगी तो आपके केले के चिप्स जो है वो टूटे टूटे बनेंगे। इस तरह से सारे चिप्स बना के तैयार कर लें। एक बार में एक ही केले के चिप्स बनाने हैं आपको। एक ही केले को आप पहले ग्रेट करेंगे और उसे फ्राई करेंगे। अगर आपने बना के एक साथ रख लिए तो जो केले हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बहुत जल्दी काले पड़ने लग जाएंगे, इनके ऊपर जो है एक ब्लैक लेयर आ जाएगी। इसलिए एक ही केला लें, उसे अच्छे से स्लाइस कर लें और उसके बाद आप उसे फ्राई करें। अगर आपके पास ऐसा स्लाइसर ना हो तो ये काम आप नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन नाइफ पे भी आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे मेरे जो लाइट इफेक्ट है उसकी वजह से थोड़ा डार्क और थोड़ा हल्का लग रहा है। जैसे ही आपके केले के चिप्स बन जाएं, आप इन्हें स्ट्रेनर पे निकालिए, यानी जाली पे निकालिएगा, जिससे हवा भी पास हो जाए और एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। अगर आपने डायरेक्ट थाली पे निकाला तो ये जो आपके केले के चिप्स हैं ना, ये बड़े सौगी सौगी से बनेंगे, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, घर पे हमारे पास भट्टी वाली हीट नहीं होती है। तो थोड़ी सी फ्लेम को हाई करें और अपने केले के चिप्स बनाते जाइए। अब हमने जब गोल वाले बना लिए, अब हम बनाएंगे लंबे। तो यहाँ पे मैंने केले को हाफ कर लिया है और लंबाई में मैं इसको स्लाइस कर रही हूँ। आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप नाइफ की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जब ऑयल लगाया है उसकी वजह से मेरा केला जो है वो आराम से स्लाइड हो रहा है और ये अटक नहीं रहा है। तो इसी तरह से करिएगा, एक केले के पहले पूरे स्लाइसेस कर लें, फिर दूसरे केले के करें। जब एक फ्राई हो जाए तभी आप दूसरा बैच तैयार करें। यहाँ मैंने सेकेंड बैच तैयार कर लिया है लंबे वाले पीसेस का। तो अब केले आप देख सकते हैं ये ऑयल कितना काला पड़ गया है। जो केले में से स्टार्च निकलता है, जो स्टिकीनेस निकलती है, उसकी वजह से जो आप ऑयल यूज़ करेंगे वो पूरी तरह से काला पड़ जाता है। और एक केले के बैच को फ्राई होने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा कि केले के चिप्स बनाते वक्त आपका तेल ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल आपका तेल ख़राब ही होगा, और जो ये वेस्ट निकलने वाला जो ऑयल है ना, इसको आप सिर्फ केले के चिप्स ही तलने के काम में ले सकते हैं। ये और किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत चिपचिपा सा और स्टिकी काले रंग का तेल हो जाएगा। इसलिए जब भी आप केले के चिप्स बनाएं तो 1 किलो या 1.5 किलो के एक ही बार में बना के रख लें, क्योंकि और ऑयल भी आप धीरे धीरे करके ऐड करें। जैसे मेरा थोड़ा ऑयल ख़त्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल बीच में ऐड किया है। इसी तरह से मैंने 1 किलो केले के चिप्स बना लिए हैं। इसके में छिलके का पार्ट निकलता है और बाकी वेस्ट निकलता है, तो लगभग आपका 700 ग्राम के करीब केला निकलेगा, केले के चिप्स बनेंगे। अब आप इन केले के चिप्स में अपने मन चाहे फ्लेवर बना सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले को प्लेन सॉल्टेड बना रही हूँ, यानी इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक। अब डाल दीजिए आप इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी। नमक और हल्दी वाले प्लेन सॉल्टेड जैसे हमें बाजार में मिलते हैं वैसे, अगर आप चाहें
तो ऑयल के अंदर भी येलो कलर डाल सकते हैं, जिससे आपके जब चिप्स निकलेंगे ना तो वो पूरी तरह से बन के निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो जो ऑयल है वो और काला पड़ता जाता है और येलो कलर अच्छे से नहीं आ पाता। इसलिए मैंने येलो कलर बाद में डाला है, यानी हल्दी बाद में डाली है। जो हमें बाज़ार में केले मिलते हैं उसमें हल्दी की जगह येलो कलर का यूज़ होता है। अब आप देखिए ये वाले जो चिप्स हैं ना, ये डिफरेंट बने, इनका टेक्सचर ज़्यादा डार्क आता है। जो लंबे वाले चिप्स हैं ये ज़्यादा क्रिस्पी हुए हैं, और गोल वाले चिप्स हैं वो भी क्रिस्पी हैं लेकिन उनमें कलर डार्क नहीं आया है। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा मसाले डाल सकते हैं। यहाँ मेरे दोनों ही तरह के केले के चिप्स बनके तैयार हैं। अब आप इन्हें सर्व कर दें। केले के चिप्स को सबसे अच्छा प्रिजर्व करने का तरीका है, आप इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रख दें और उस कंटेनर के नीचे एक टिश्यू पेपर बिछा दीजिए। अब आप इन केले के चिप्स की ओरिजिनल आवाज़ सुनिए। थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है लेकिन आप केले के चिप्स की आवाज़ सुनिए। घर पे केले के चिप्स बनाना बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। इससे आप बहुत सारे प्रिजर्वेटिव से और बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। घर पे जब इस समय बहुत अच्छा कच्चा केला मिल रहा है तो आप बना के ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें और एयरटाइट या जिप लॉक में आप पैक करके रख सकते हैं। आपके बच्चों को जब भी खाना हो एक पैकेट निकालिए और बाज़ार जैसा फील आप उन्हें घर में दे सकते हैं। आज के केले के चिप्स की रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।